कहीं अनादि काल सरस्वती पूजा श्री पंचमी तिथि रे रथ काठ अनुकूल करा जाय थाए जो रथ काठ आसी थाए आपणकर नयागढ़ बनखंड अंचल रु से नयागढ़ बनखंड अंचल रु आसीतिबा रथ काठ पूजा अर्चना करा जाय थाए तीनि खंड बार फुटिया धौरा काठ को पूजा अर्चना करा जाय थाए जो तीनि खंड धौरा काठ श्री नहर सम्मुख जो रथ खोला रही श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय सम्मुखें आसी प्रस्तुत हो सारणी एवं महेन्द्र बेला रही 6:31 8:55 पर्यंत से महेन्द्र बेलें ही बनजाग पद्धति क्षत्रिय ब्राह्मण राजगुरु सेवक पूजा अर्चना करे एवं श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक जी अतिरिक्त मुख्य प्रशासक रही सी उपस्थित रे पुरी जिलापाल उपस्थित रे उपजिलापाल उपस्थित रे श्रीमंदिर प्रशासन अधिकारी माने उपस्थित रे क्षत्रिय ब्राह्मण माने रे परिचालना कमिटी सदस्य माने रे विशेषकर दैतापति सेवक माने उपस्थित रे उपस्थित रही बनजाग पद्धति पूजा अर्चना करा एवं सेतिपाई पूरा पूरी प्रस्तुति प्राय शेष पर्यायर पहुँच जाइछि आउ किछि समय परे जो तीनि खंड दौरा काठ को जो झोटी चिता करा जाइछि मो कैमरा पर्सन सोमनाथ को कहबी से सुंदर भावे जो झोटी चिता चित्रित करा जाइछि सेही स्थान रे ही तीनि खंड दौरा काठ को सेही स्थान रे रखा जिवो एवं जो भोई सेवक माने आनिबे माठिया रे पानी आनिबे पानी आनी जलचिंचन करिबे संपूर्ण भावे तीनि खंड धौरा काठ को गाधोई दिया जिवो स्नान नीति करा जिवो तीनि खंड धौरा काठ को एवं धौरा काठ को स्नान नीति परे संध्या समय रे ही पूजा अर्चना करा जिवो आम सहित विनायक दास महापात्र अछंती जे कि दैतापति निजगर वरिष्ठ सेवक एवं तांकर गुरु दायित्व आसी पहुंची गला कारण रथ यात्रा रो अयम आरंभ कहले अत्युक्ति नुह सरस्वती पूजा आज अनेक नीतिकांति रही चाचेरी बेस हम शीत वस्त्र जो परिधान करतुले ताकु ओलागी कर दिया जीव पातला जामा परिधान करिबे मादला पांजी पूजा अर्चना करा जीव आज दिनटी अनन्य निश्चित आज दिनटी अति गुरुत्वपूर्ण दिन काहेकि ना आज माँ सरस्वती पूजा रे आज जगन्नाथ महाप्रभु जो रथ यात्रा हबो सेतिपे आज तीन खंड काठ को आज पूजा करा जीव पूजा अर्चन रथ यात्रा जंत्र आरंभ आज आरंभ हो जीव एवं महाप्रभु यात्रा आज बहुत गुड़े विशेष नीति रही वर्तमान आज चाचेरी भोग भेष अच्छे आमर संध्या धूप समय महाप्रभु चाचेरी भेष बचे एवं आज मादला पाजी सरस्वती पाखे पूजा हे देवल करण आनिकी मादला पाजी पूजा करेंगे एवं रथयात्रा प्रस्तुति बर्तमान 102 खंड काठ आसबी ये धौरा काठ आज पहुँची गला बर्तमान एथर रथयात्रा अति सुंदर भाव में हम जो भाव में जमी प्रत्येक वर्ष समस्त नीतिकांति श्रृंखलित भाव में हूँ जो भाव सरस्वती पूजा तीन खंड धौरा काठ को पूजा अर्चना कर जो तीन खंड धौरा काठ रे कण गुज निर्माण करा जाय थाए सेई भली भाबे अक्षय तृतीया रे मध्य सेई भली 12 फुटिया तीन खंड धौरा काठ मध्य पूजा अर्चना करा जाय थाए एवं रथ निर्माण आरंभ होय थाए आज ठारु रथ काठ अनुकूल कार्य आरंभ होय गला या अर्थ दशपला वनखंड अंचल रु नयागढ़ रु एवं ता सहित बौद्ध रु ए समस्त जागारु रथ काठ आसिकरी पहुंचिबा आरंभ होय गला माने तीन खंड जो तीनोटी जो ट्रक रे 102 खंड काठ आसीतला आउरी अनेक काठ आसीबो असन काठ आसीबो धौर काठ आसीबो तेंतुली काठ आसीबो फासी काठ आसीबो एवं आज किबली बाबे केउ समय रे पूजा अर्चना करा जीवो जहां सूचना मिलुची 6:31 रु पूजा अर्चना करा जीवो से पूजा समय रे केउ माने उपस्थित रहिबे किबली बाबे पूजा अर्चना करा जीवो पूजा अर्चना आज बनजाग पूजा रे महाप्रभु से रथ काठ को पूजा अर्चना करा जीवो एथरे आमर स्वस्तिक ब्राह्मण रहिबे राजगुरु देवलपुरी तो एमाने रहिबे एवं आमर मुख्य प्रशासक रहिबे परिचालना कमिटी मेंबर रहिबे एवं समस्त सेवायत एवं दैतापति माने रहिकरी ए पूजा अर्चना कार्य हबो एवं शुभ मुहूर्त 6 केतरे जो अछि से समय भीतर जो अछि 2-3 घंटा शुभ मुहूर्त से समय महाप्रभु से कार्य आरंभ हबो एवं एथर रथयात्रा को समस्त प्रकार व्यवस्था बर्तमान प्रस्तुत कार्य रथयात्रार दायित्व आसीगला किभली भाव रथयात्रा श्रृंखलित हम कारण रथ निर्माण ठारु आरंभ कर श्रीगुंडीचा यात्रा नवदिन यात्रा एथर सबुठ बड़ कथा होची अनवसर 13 दिन रही 13 दिन किभली भाव नीतिकांति गुप्त नीति संपन्न कर गोटे दिन में नवजौवन दर्शन नेत्र उत्सव नहीं बर्तमान जो 13 दिन कथा पड़ी आमर 1971 मसीह होता पूर्व होता आमर जो दैनदिन पंजिका लेखा जा
ଯେ ସେ ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷ କି 50 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁଣି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ, ତେଣୁକରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ବି ଆସିଛି, ସେଇ ସମୟରେ 13 ଦିନରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୋମନାଥ ପୁରା ପୁରି ଦେଖେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 3 ଖଣ୍ଡ ଧୌରା କାଠ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ 3 ଖଣ୍ଡ ଧୌରା କାଠ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ସେଇ ନୂତନତ୍ୱର ଆଜି ଦିନଟିଏ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ।